तो इस पार्ट ऑफ वीडियो हम जानेंगे टू बी और टू हैव बीन का यूज। जैसे पहला सेंटेंस है, आई एम हैप्पी टू बी इन क्लासरूम। मतलब मैं क्लासरूम में होने के कारण जो है मैं हैप्पी हूं। प्रेजेंटली जो है मैं अभी जो है क्लासरूम में हूं। कहां पर मैं हूं? मैं क्लासरूम में हूं और मैं हैप्पी हूं। ये भी आप बोल सकते हैं कि आई एम हैप्पी दैट आई एम इन क्लासरूम। सीधा करके आई एम हैप्पी दैट आई एम इन क्लासरूम। इसका यूज करते हैं आई एम हैप्पी टू हैव बीन इन सिनेमा हॉल ड्यूरिंग पिक्चर या फिल्म। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ब्रेक करेंगे सेंटेंस को, इसके हो जाएंगे आई एम हैप्पी दैट आई एम इन सिनेमा हॉल ड्यूरिंग पिक्चर। ठीक है, मतलब इसका जो इक्वल टू मीनिंग है वो ये है कि मैं खुश हूं कि मैं सिनेमा हॉल में हूं पिक्चर के समय में। इसलिए यहां पे दे रखा है आई एम हैप्पी टू हैव बीन इन सिनेमा हॉल ड्यूरिंग पिक्चर। मीनिंग सेम है कि मैं पिक्चर के समय में सिनेमा हॉल के अंदर होने में मैं खुश हूं। ठीक है, तो यहां पे मैंने पास्ट लिखा है तो इससे ये पता चलता है कि यहां पर मैं काम पूरा हो रहा है, इसलिए मैंने वो वाला पास्ट आप मत समझना इसको जो मैंने बताया आपको। यहां पर मैं ऐसा लग रहा है कि सिनेमा हॉल में जो है काम कुछ ना कुछ हुआ है और कुछ अभी भी हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है इसको पास्ट में यहां पर यूज किया गया है। और यहां पर जो हमने बताया था वो ऐसे था आई एम हैप्पी दैट I am in classroom now। मतलब अभी अभी मैं क्लासरूम में हूं, अंदर ही क्लासरूम में। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसका जो हेल्पिंग वर्ब है जैसे एम है इसको चेंज करके बना सकते हैं। यहां पर मैं लिख सकते हैं I was happy to be in classroom। यहां पे लिख सकते हैं I was happy to have been in cinema hall during picture। तो इससे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट से सीधा इसका सिग्नल पास्ट की ओर कंप्लीटली चला जाएगा। तो इस तरीके से हम इस दोनों को बनाएंगे। ये आपको इस टाइप के और भी हम जो है लेंगे वर्ड्स और फ्यूचर में आपको कन्वर्ट करके बताएंगे। तो बाय देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इन द नेक्स्ट क्लासेस आई विल बी अगेन प्रेजेंट विद सम अदर एक्शन वर्ड्स और विद सम अदर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर।